Hello my beauties, welcome back to my channel Shweta's Beauty Vanity. As per the request and basis of the number of votes on my Facebook and Instagram page, मेरे channel पे मैंने एक beginners makeup series start किया है और जिसका आज very first episode है और इस episode में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको eyebrow draw करना चाहिए step by step और उसके साथ साथ मैं कुछ tips and tricks भी share करूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज के video. But before starting anything, जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरे video पे, अगर आपको ये video अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो. सबसे पहले आईब्रो ब्रश या स्पूली ब्रश से आपको आईब्रो हेयर कम करना है टू फॉलोइंग द नेचुरल हेयर ग्रोथ ऑफ योर आईब्रो. मैंने यहाँ पे लॉरियल का आईब्रो पेंसिल लिया हुआ है टू ड्रॉ माय आईब्रो. तो इसके दूसरे एंड में एक स्पूली है, मैं उसी से ही मैं आईब्रो हेयर कम कर रही हूँ. अगर आपके आईब्रो पेंसिल में ऐसे स्पूली नहीं है तो आप ऐसे आईब्रो ब्रश से भी आपका आईब्रो कम कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप में मैं अपना आईब्रो आउटलाइन कर रही हूँ नेचुरल शेप फॉलो करते हुए. जब भी आप आईब्रो ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो पेंसिल या पाउडर प्रोडक्ट, हमेशा आपको बहुत ही हल्के हाथों से प्रोडक्ट डिपॉजिट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ. और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, आईब्रो आउटलाइन करने के टाइम स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक यूज़ करना है. प्लीज़ डू नॉट डू इन अ वन गो और फ्रंट पार्ट में प्रोडक्ट जितना कम हो सके आपको डिपॉजिट करना है. मैं आईब्रो अपर पार्ट में आउटलाइन कर रही हूँ. यहाँ पे मैं स्लाइटली ओवर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत ही थिन है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप यहाँ पे थिकनेस कितना रखना चाहते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपको आईब्रो फिलअप करना है. अगर आपके आईब्रो में कोई स्पार्स एरिया या गैप है, पहले आपको वहाँ पे कंसेंट्रेट करना होगा. एज यू कैन सी, मैं अपने आईब्रो मिडिल पार्ट से लेके आईब्रो टेल पार्ट, जो कि आईब्रो इन पार्ट है, कैसे मैं फेदर स्ट्रोक में फिलअप कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे लॉरियल का ब्रो स्टाइलिश डिफाइनर लिया हुआ है टू फिलअप माई आईब्रो, जिसका शेड है डार्क डीप ब्राउन. हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आप कोई जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो टू फिल अप योर आईब्रो या ड्रॉ योर आईब्रो, हमेशा उसका शेड आपके हेयर कलर के साथ मैच होना चाहिए. मैं यहाँ पे एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ स्पेशली फॉर द बिगिनर्स की कहाँ पे आपको आईब्रो स्टार्ट करना है और कहाँ पे इन. आईब्रो पेंसिल को ऐसे नॉस्ट्रल के साइड पे रख के और एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, इट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. और अभी आईब्रो पेंसिल को आई इन पे ऐसे रख के आपको एक इन पॉइंट डिटरमाइन करना होगा. आपके आईब्रो टिलपट कभी भी इस पॉइंट से बाहर आना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही अननेचुरल दिखता है. अभी मैं ऐसे पॉइंट ड्रॉ करके आईब्रो नहीं बनाती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी साल हो गया मेकअप करते हुए, पर मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा. आईब्रो फिलअप करने के बाद हमेशा आईब्रो ब्रश या स्पूली से आपको आईब्रो कोम करना चाहिए टू ब्लेंड द प्रोडक्ट, सो दैट कि आपके हेयर के साथ ये आईब्रो प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इस पर आपके आईब्रो पे एक नेचुरल लुक आ जाए. नेक्स्ट स्टेप जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शनल स्टेप है. मेरे आईब्रो के हेयर ग्रोथ फ्रंट पार्ट में, आईब्रो के फ्रंट पार्ट में बहुत ही कम है, तो मैं अपवर्ड स्ट्रोक यूज़ करके मैं फेक हेयर ड्रॉ कर रही हूँ. अगर आपके आईब्रो में ये प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ आप ये स्टेप स्किप कीजिएगा. सो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं सिर्फ आईब्रो पेंसिल की मदद से एक नेचुरल लुकिंग आईब्रो ड्रॉ किया है और मेरे दोनों आईब्रो में कितने डिफरेंस है. द लुक इज़ क्वाइट नेचुरल येट इजी टू कैरी एंड द मोस्ट इजीएस्ट ऑप्शन फॉर अ बिगिनर्स फॉर एवरीडे आईब्रो लुक. अभी मैं जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ, यू कैन स्किप द स्टेप टोटली अगर आपको बोल्ड आईब्रो पसंद नहीं है. तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करने वाली हूँ. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रो पोमेट की मदद से, जो कि एक जेल बेस आईब्रो प्रोडक्ट है, मैं इसके मदद से अपने आईब्रो को थोड़ा सा और थिकर और फुलर बनाऊंगी. अगर आप कोई स्पेशल ओकेशन के लिए मेकअप कर रहे हो या आपको बोल्ड आईब्रो लुक पसंद है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपके पास ऐसे क्रीम प्रोडक्ट नहीं है तो आप कोई भी आई शेडो जिसके शेड डार्क ब्राउन है वो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं इससे पहले भी मैंने एक और एक आईब्रो ट्यूटोरियल की थी करीब करीब एक साल पहले, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा. प्लीज़ आप वहाँ से आप लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो. और उस पर मैंने दिखाया था कि कैसे आप आई शेडो की मदद से आईब्रो ड्रॉ कर सकते हो. अगेन आपको स्पूली एंड से या आईब्रो ब्रश
के मदद से आपको ये आईब्रो प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड करना होगा सो दैट कि यहाँ पे एक नेचुरल लुक आ जाए आपके आईब्रो पे। नेक्स्ट स्टेप में आईब्रो आर्च को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए और आईब्रो को क्लीनिंग करने के लिए आपको कंसीलर या कोई भी न्यूट शेड आई पेंसिल लेना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट हेल्प्स टू मेक योर आईब्रो कर्वी एंड क्लीन। और आफ्टर डिपोजिटिंग द प्रोडक्ट आपको अपने फिंगर से या कंसीलर ब्रश से प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईब्रो हेयर को सेट करने के लिए और आईब्रो प्रोडक्ट को लॉक एंड सील करने के लिए सो दैट कि क्रीम प्रोडक्ट स्मच ना हो और अपने जगह से ना हिले, मैं रिमेल का ये ब्रो सेटिंग जेल अपने आईब्रो पे अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फाइनल आईब्रो मेरे नेचुरल आईब्रो से कितना फुलर और थिकर है, पर ये एकदम ही ओवर द टॉप या सुपर ड्रामेटिक नहीं है, बहुत ही वेयरेबल है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु नीड्स इट, एंड लास्टली प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं और भी बिगिनर्स वीडियो लेके आने वाली हूँ मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।